बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पुराने दौर के अजमुदा घरेलू टोटके, खाने के बाद भारीपन महसूस हो तो लीमू के कतरे पी लें, खाना हजम ना हो तो चुटकी भर देसी अजवाइन खा लें, मुंह से बदबू आती हो तो एक छोटी इलायची चबाएं, नाफ उतर जाए तो नाफ में नीम गरम नारियल का तेल लगाएं, जिसे मोटा करना हो तो रोजाना साबूदाना खीर खाएं, कमजोरी महसूस हो तो दो खजूर दूध में पका कर खाएं, रंग गोरा करना हो तो जाफरान वाला दूध पी जाएं, जिस्म से खून साफ करना हो तो हल्दी का इस्तेमाल बढ़ाएं, पेशाब में जलन हो तो कच्ची लस्सी पिए और नमक डाल कर पिए, पथरी खारिज करनी हो तो जैतून का इस्तेमाल बढ़ाएं, कहे ना रुके तो बस एक चुटकी जीरा खाएं, पेट में दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबाएं, दुबला पतला होना हो तो निहार मुंह सौंफ का पानी पी जाएं, मुंह में छाले हों तो दार चीनी पाउडर लगाएं, सर में खुश्की हो तो सरसों के तेल में दही या अंडे मिक्स करके लगाएं, आंतों में जख्म या मरोड़ हो तो इसबगोल खाएं, मतली हो तो सफेद जीरा लीमू के रस में रगड़ कर खाएं, सर में जुए हो तो चंबेली का तेल लगाएं, रिया खारे ना हो तो तेज पात का पत्ता चबाएं, जिस्म में गर्मी हो तो इमली का पानी पी जाएं, कान में दर्द हो तो सरसों के तेल में लौंग जलाएं और इसमें रुई ऊपर से तर करके कान पर लगाएं, भूख नहीं लगती हो तो सूखा अनार दाना खाएं, चोट लगी हो तो खून रोकने के लिए रुई को नारियल के तेल में डबो कर लगाएं, निहार मुंह रोजाना एक सेब खाने से कब्ज दूर हो जाती है, सेब का छिलका डस्ट आवर है, कब्ज वालों को सेब छिलके समेत खाना चाहिए, जब भी आपका पेट खराब हो तो फौरन ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, अगर पानी मैदे में ना ठहरे तो आप बर्फ भी चूस सकते हैं, सरसों के तेल में एक चम्मच नमक मिलाकर दांतों पर लगाएं, दांत साफ और मोती की तरह चमक जाएंगे, रोजाना एक चम्मच सौंफ खाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, रोजाना दो चम्मच भुनी हुई सौंफ खाने से खून की सफाई हो जाती है, सौंफ के इस्तेमाल से जल्द चमकदार और निखरी निखरी लगती है, सौंफ का पेस्ट बनाकर जल्द पर लगाएं, जल्द साफ और खिली खिली हो जाएगी, पुदीने का कहवा बनाकर गर्म या ठंडा नोश करें, इसके इस्तेमाल से आपके मेदों को बहुत सुकून आ जाएगा, आप चाहें तो पुदीने के पत्ते भी चबा सकते हैं, मिट्टी के प्याले में एक चम्मच बलाई, तीन कतरे लीमू का रस और तीन बादाम पीस का सोते वक्त चेहरे पर लगाएं, जुड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ग्रीन टी जहाँ वेट लूज का एक मुकम्मल नुस्खा है, वहीं कोलेस्ट्रॉल के लिए भी एक मुफीद हल है, इसको पीने से आंतों को भी सुकून मिलता है और साथ ही इजाफी कोलेस्ट्रॉल को जिस्म से खारिज करने में आसानी होती है, आवाज़ में गड़गड़ाहट हो तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें, आवाज़ सुरीली हो जाएगी, मसूड़े सो जाएं तो नीम गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करें, मसूड़ों की सूजन दूर हो जाएगी, साबित इसबगोल और सरसों के बीज एक एक चाय का चम्मच और एक चुटकी कलवंजी खाने से पहले दिन में दो दफ़ा पानी के साथ खाएं, चंद दिनों में कब्ज़ का खात्मा हो जाएगा, थोड़े से पानी में सिरका और छोटी इलायची डालकर कुली कर लें, दांत साफ भी हो जाएंगे और मुंह से बदबू भी नहीं आएगी, थोड़े से कॉर्न फ्लोर में अंडे की सफेदी मिक्स करके पेस्ट बना लें और इसे ब्लैक हेड्स की जगह पर लगाएं, खुश्क होने के बाद चेहरा धो लें, ब्लैक हेड्स साफ हो जाएंगे, अलसी के बीजों को गर्म पानी के साथ निगल लें, ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देती, धनिया रात सोने से एक घंटा कबल गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें, यह निज़ाम हाजमा को भी बेहतर बनाता है और फैट को भी कंट्रोल करता है, पसीने की बदबू दूर करने के लिए नहाने के पानी में थोड़ा सल्टोल या फिर थोड़ा मिलाकर नहाएं, खाने से पहले ज़ाफ़रान के चंद दाने पानी में भिगोकर होंठों पर लगाएं, होंठ पतले और गुलाबी हो जाएंगे, अगर नहार मुँह सौंफ का पानी पिया जाए तो जिस्म से मोटापा कम हो जाता है, लीमू के रस में दालचीनी पाउडर मिलाकर चेहरे के दाग धब्बों पर लगाएं, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, अगर किसी खांसी ना रुक रही हो तो दो सेब के छिलकों को डेढ़ कप पानी में इतना पकाएं कि आधा कप रह जाए, इसमें से एक चम्मच शहद मिक्स कर लें और फिर पी लें, इतना गर्म हो जो पिया जा सके, तीन दिन पीना है, खांसी का नामो निशान भी नहीं रहेगा, खाने का सोडा अरके गुलाब में मिक्स करके नाक पर लगाएं, उंगलियों के पोरों से हल्के हल्के मसाज करें और 5 मिनट बाद धो लें,
متاثرہ جگہ چمک اٹھے گی۔ سرسوں کے تیل میں پھٹکڑی پریاں ملا کر دانت کے کیڑوں پر لگائیں، دانت کے کیڑے غائب ہو جائیں گے۔ خشک کھانسی کے لیے صبح شام ایک چمچ شہد میں 6-7 دانے کالی مرچ کے پیس کر ملا کر کھائیں، انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر چشمہ پہننے سے نشان پڑ جاتے ہوں تو چشمہ پہننے سے پہلے تھوڑی سی پٹرولیم جل لگائیں، نشان ختم ہو جائیں گے۔ آنکھوں کے نیچے آلو اور کھیرے کا رس مکس کر کے لگائیں، سیاہ حلقے اور سوجن ختم ہو جائے گی۔ دہی اور ساگو دانا بھی پیٹ کے امراض میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ ساگو دانا کا پتلا میلو باقاعدگی سے پیٹ ٹھیک ہونے تک استعمال کریں۔ چند قطرے لونگ کا تیل ٹوتھ برش پر لگائیں اور پھر برش کریں، دانت کا درد غائب ہو جائے گا۔ گاجروں کے پانی کی بھاپ لیں اور گاجروں کا نیم گرم پانی چہرے پر لگائیں، چہرے کا پیلا پن دور ہو جائے گا۔ لہسن کو کھانا بنانے میں استعمال کریں اور ساتھ ہی نہار منہ دیسی لہسن چبا لیا کریں۔ یہ آپ کے جسم میں کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتا اور برے کولیسٹرول کو خارج کرتا ہے۔ ہلدی کو دودھ کے ساتھ روزانہ استعمال کریں تو یہ نہ صرف جسم کی غذائیت کو مکمل کرتی ہے بلکہ جسم کی چربی بڑھنے سے بھی بچاتی ہے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 1 چمچ زعفران زیتون ڈال کر پینے سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ ادرک کا استعمال گیسٹرول کے لیے بہت مفید ہے۔ ادرک کی چائے یا قہوہ آپ کے لیے بہت مفید ہوگا۔ منہ دھونے کے بعد ٹونا ضرور استعمال کریں، اس کے لیے ارک گلاب بھی بہتر رہے گا یا پھر ارک گلاب کا سپرے استعمال کریں۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ پینے کے بعد مریض کلی نہ کرے، ویسے ہی سو جائے۔ 3 راتیں مسلسل یہ عمل کریں، انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔